काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। मध्य प्रदेश के सीधी जिला में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बाद सीधी कलेक्टर साकेत मालवी के तबादला कई दिन का, जिनकी जगह पर नवागत कलेक्टर स्वरोचिस सोमवंशी के द्वारा सीधी कलेक्टर के तौर पर अपन पदभार ग्रहण किएगा। विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे सभी जन का प्रणाम करी थे, शुरू करी थे बड़ी खबर से। बता दें कि शुक्रवार के दिन मिली जानकारी के मुताबिक सीधी जिला के नवागत कलेक्टर स्वरोचिस सोमवंशी के तरफ से कार्यालय पहुंच के पदभार ग्रहण किएगा। इस दौरान नवागत कलेक्टर के द्वारा कहा गया कि जिला की व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रखी जाए, साथ ही साथ सरकारी काम में जनता के हित के खातिर प्रशासनिक स्तर पर मदद की जाए। इस दौरान जनप्रतिनिधि के द्वारा कलेक्टर से मुलाकात की गई। बता दें कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा देर शाम आदेश जारी करके प्रदेश के 12 IAS अफसर के तबादला किएंगे। सीधी जिला के कलेक्टर साकेत मालवी का कर्मचारी चयन बोर्ड भोपाल के संचालक बना हुआ है, जबकि बैच 2012 के IAS अधिकारी स्वरोचिस सोमवंशी का सीधी जिला के कलेक्टर नियुक्त किएगा। आदेश के परिपालन में सीधी के नवनियुक्त कलेक्टर स्वरोचिस सोमवंशी के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंच के अपने कार्यालय में आज पदभार ग्रहण किएगा। अपना का बता दी कि पदभार ग्रहण के दौरान जिला के प्रशासनिक अमला मौजूद रहा, जबकि नवनियुक्त कलेक्टर स्वरोचित सोमवंशी के द्वारा पदभार ग्रहण के उपरांत आमजन और जनप्रतिनिधि से मुलाकात किए गए। पदभार ग्रहण करते लोगन के तुरंत समस्या के जो है त्वरित निराकरण के खातिर संबंधित अधिकारी का दिशा निर्देश देंगे। नवागत कलेक्टर के द्वारा कहा गया कि जनता के सेवा का ही जनता के सही और उचित तरीके से समस्या के निराकरण करब पहल प्राथमिकता हुई, जिसकी वजह से आम लोगन के चेहरे में खुशी साफ तौर पर देखी जा रही है। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम।